दुर्घटनाओं का अड्डा बने तुर्भेश्वर हाईवे पर उड़ान पुल बनाने का रास्ता अब साफ हो गया है। सानी शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी द्वारा आंदोलन की चेतावनी के बाद आज मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर ने एक बैठक के दौरान यह भरोसा दिलाया। हाईवे पर उड़ान पुल नहीं होने से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं। 6 सालों से लगातार मांग कर रहे सुरेश कुलकर्णी ने कहा कि मनपा को अब यह उड़ान पुल बनाना होगा, क्योंकि अब हम लोगों को मरते और यहां विकलांग होते नहीं देख सकते। देखिए रिपोर्ट। तुर्भे स्टेशन के सामने थाने बेलापुर हाईवे का यही वो ठिकाना है जहां उड़ान पुल के अभाव में अक्सर दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन लगातार मांग के बाद भी हालत जस की तस है। आज स्थानीय शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने इन्हीं मुद्दों को लेकर मनपा आयुक्त अभिजीत बांगर से दोबारा मुलाकात की और निवेदन देकर यहां तत्काल उड़ान पुल का निर्माण शुरू करने की मांग की। सुरेश कुलकर्णी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आखिर कब तक लोग दुर्घटनाओं में मरते और विकलांग होते रहेंगे। उन्होंने निवेदन में लिखा कि यदि 15 दिनों के भीतर उड़ान पुल की निर्माण प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो वे जनता को साथ लेकर थाने बेलापुर हाईवे फिर से जाम करेंगे। हालांकि उन्होंने यह भी विश्वास जताया कि जिस तरह आयुक्त अभिजीत बांगर ने उन्हें भरोसा दिलाया है, उससे उम्मीद है कि जल्द ही उड़ान पुल का निर्माण काम शुरू होगा। हमको आने जाने के लिए एक तो रोड क्रॉस करके ही जाना पड़ता है। आज औद्योगिक क्षेत्र है, वहाँ पर MRDC में बहुत सारे न्यू मुंबई, ठाणा, कल्याण, डोंबिवली बहुत सारे लोग आते हैं। MRDC में रोड क्रॉस करके उनको औद्योगिक क्षेत्र में जाना चाहिए, उनको काम के लिए जाता है। और शाम के टाइम में भी इतना पैमाने में गर्दी होता है, वहाँ पर इतना ट्रैफिक जाम होता है, उसमें बहुत सारे अपघात भी हो गए। तो उसके लिए इसको जितना जल्दी हो सके, अगर हमारे जो झोपड़पट्टी के लोग है वहाँ का, वहाँ से झोपड़पट्टी से स्कूल को जाना है, कॉलेज को जाना है, मार्केट में जाना है, उनको रोड क्रॉस करना ही पड़ता है। अगर ये जितना जल्दी उतना हो सके, ब्रिज हो गया तो उनको हमको नीचे से जाने के लिए अच्छा जी उसका मतलब मिलेगा, फायदा होगा उसका, और सबका कुछ लोग का बहुत सारे ऐसे अवगत भी उसमें से टल जाएगा, और यही मांग है हमारा। बताना जरूरी है कि 6 वर्षों से इस उड़ान पुल की मांग चल रही है। 22 नवंबर 2020 को चक्का जाम भी हो चुका है, तब मनपा के तत्कालीन आयुक्त ने 15 दिनों में निर्माण शुरू करने का वादा किया था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। शिवसेना नेता सुरेश कुलकर्णी ने बताया कि आयुक्त ने आज की बैठक में 15 दिनों के भीतर उड़ान पुल के लिए नया टेंडर निकालने और अप्रैल 2021 तक प्रत्यक्ष निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया है। शिवसेना नेता ने इसके लिए पालक मंत्री एकनाथ शिंदे, सांसद राजन विचारे और उपनेता विजय नाहटा के प्रति भी आभार जताया, जिन्होंने उनकी इस मांग को बल दिया। आदरणीय शिंदे साहब ने इसमें ज़्यादा से ज़्यादा के ख्याल करके इसको काम के लिए, कमिश्नर साहब को भी उन्होंने 6-7 बार फोन किया ले ये काम के लिए, और मैं कल भी लेटर दे रहा हूँ उनको, जितना हो सके उतना ही जल्दी है। आज कमिश्नर भी बोल दिया ले 15 दिन में हमने ये टेंडर निकल के अप्रैल में काम चालू होगा, उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रयत्न करेंगे बोले। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।